हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हब में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सत्तू की हरी चटनी। इसे बनाना बहुत आसान है। हम मोस्टली बहुत तरह की चटनी बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे सत्तू की चटनी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी है, क्योंकि आपको पता ही है सत्तू काफ़ी हेल्दी होता है। ये गर्मियों में खाया जाता है। हम सत्तू का शरबत जूस बना के खाते हैं। हम सत्तू के पराठे बनाते हैं। सत्तू को हम लिट्टी में डालते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम सत्तू का यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको सत्तू की हरी चटनी बता रही हूँ। आप इसे पकौड़ों के साथ में या किसी भी चाट आइटम के साथ खा सकते हैं, ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, या सिंपल ऐसे ही आप दाल चावल भाजी रोटी के साथ में खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी चटनी है और मेन इसे बनाना बहुत इजी है, बहुत झटपट बनती है। सत्तू की हरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, या आप मेरे चैनल पे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं कोई ना कोई एक नई वीडियो लेके आती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सत्तू की हरी चटनी। सत्तू की हरी चटनी बनाने के लिए मैंने आधा कप सत्तू लिया है। अगर सत्तू आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी नहीं मिले आपको तो जो अपना भुना चना होता है उसके ऊपर का छिलका निकाल के आप मिक्सी में पीस लीजिए। तो ये आधा कप मैंने सत्तू लिया है, चने का सत्तू है। और एक बंडल मैंने धनिया ली है। कप से देखेंगे तो एक कप धनिया है, दो मीडियम साइज़ का, एकदम बहुत बड़ा भी नहीं था बहुत छोटा भी नहीं था, तो दो मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया है। आधा कप मैंने पानी लिया है। हम पीसते समय देखेंगे कि आधा कप लगेगा उससे ज़्यादा, जितना लगे पानी उस हिसाब से हमें डालना है। और सत्तू की चटनी में हमें काला नमक डालना है। काला नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने एक छोटा चम्मच जीरा लिया है। सत्तू में जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक नींबू का रस है और चार पांच हरी मिर्च है। अगर आप तीखा कम खाते तो एक हरी मिर्च डालिए। और सत्तू में नींबू का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तब हम एक जार ले लेंगे और जार में हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे। बहुत टेस्टी ये चटनी बनती है। और अब हम धनिया डाल देंगे और सत्तू डाल देंगे और हरी मिर्च हम डाल देते हैं, जीरा डाल देंगे हम, काला नमक और नींबू का रस डाल देंगे। और अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, चौथाई कप, और थोड़ा पानी हम बाद में डालेंगे। अब हम इसे पीस के दिखाते हैं। ये देखिए हमने पीस लिया है। पीसने में खाली आधा कप पानी लगा है, उससे ज्यादा नहीं, और एकदम बराबर है। आपको इससे भी गीली चाहिए तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो आधा कप हमने सत्तू लिया था तो आधा कप पानी इनफ होता है। और आप जैसे एक कप सत्तू लेके बनाएंगे तो आप एक कप पानी डालिए। तो देखिए बहुत टेस्टी और यमी चटनी बन गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी चटनी बन गई है। फ्रेंड्स, आप ये चटनी को पकौड़ों के साथ, पराठों के साथ, या किसी भी चाट आइटम के साथ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको ब्रेड खाना है तो जस्ट नॉर्मल ब्रेड पे, या आप ब्राउन ब्रेड पे इसे लगा के खा सकते हैं। ये चटनी का इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं, या सिंपल आप दाल चावल के साथ में, भाजी रोटी के साथ में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें हमने जीरा डाला है, काला नमक डाला है, धनिया है और प्याज है, सत्तू है। ये सबको मिक्स करके जो ये चटनी बनी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। और देखिए कितना टेस्टी बना। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा सत्तू की चटनी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, आपको सत्तू की चटनी की रेसिपी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको सत्तू की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, एक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।